Hello guys, welcome back to asanhanna.com. I am Nima Dobriyal. Friends, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप उन्हें लाइक कीजिए एंड उन पे कमेंट कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस ईमेल के थ्रू फ्यूचर में मिलती रहें तो आप उन्हें हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें. प्लस आप हमसे Facebook एंड Twitter के थ्रू भी जुड़ सकते हैं. प्लस ब्लॉगर के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी साइट पे डायरेक्ट विजिट करें. हमारी साइट है www.asanhanna.com. वहां आपको सभी वीडियोस एक सीरीज वाइज अवेलेबल होंगे. ओके फ्रेंड्स, हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था अकाउंटेंसी. उसी के अंदर हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑडिटिंग होता क्या है. ऑडिटिंग इज ए एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस की. फर्स्ट एलिमेंट्स है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस. ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस ऑडिटिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है. वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ. जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो ही कंसिडर करते हैं क्या हमारी ऑडिटिंग को. ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे अकाउंट चेक करवाते हैं वो या तो एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या तो एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं. आजकल के टाइम में क्या हो गया है, जो ऑडिटिंग है उसका स्कोप इतना वाइड हो गया है कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिना अकाउंट्स चेक करवाए आगे क्या नहीं करते, पढ़ नहीं पाते, आगे सक्सेस नहीं हो पाते. वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स में जितने भी मिस्टेक हैं उनको कम करने के लिए वो क्या करते हैं, ऑडिटिंग करवाते हैं अपने अकाउंट्स की. बट जो बहुत सारे क्या होते हैं, बिजनेस होते हैं लाइक डिस्पेंसरीज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, क्लब्स हो गए, या ये क्या करवाते हैं अपने अकाउंट्स को, इतने मतलब इनके लिए इतना कंपल्सरी नहीं होता कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएं. हमारे पास क्या होते हैं, मोस्टली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एंड इंस्टीट्यूशंस होती हैं वही क्या करवाते हैं, अपनी अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं. सेकंड पॉइंट है हमारे पास इंडिपेंडेंट पर्सन. इंडिपेंडेंट पर्सन में एक्चुअली है क्या, द वर्क ऑफ ऑडिटिंग हैज़ टू बी डन बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू अ बिजनेस और द ऑर्गेनाइजेशन. हमारे जो ऑडिटिंग का वर्क है उसको एक ऐसा पर्सन करता है जो कि बिजनेस से किसी भी तरह से रिलेटेड ना हो, किसी भी तरह से ना वो फ्यूचर में कभी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए ना वो पास्ट में कभी बिजनेस से रिलेटेड हो. जो ऑडिटर की जॉब होती है वो क्या होती है, इम्पार्शनली होती है और विदाउट किसी बेस पे होती है कि मतलब ऑडिटर का उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जिससे आगे चल के ऑडिटर को प्रॉब्लम हो या कंपनी को प्रॉब्लम हो. इसीलिए जो हमारा ऑडिटर होता है वो क्या होता है, एक अनबेस्ड पर्सन होता है, वो किसी पे बेस्ड नहीं होता. उसको हर चीज़ की क्या होती है, फ्रीडम होती है कि किस तरह वो अकाउंट्स चेक करेगा, किस तरह नहीं करेगा. उसको ये भी राइट होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन किन से रिसीव करे, कंपनी से जिसकी उसे ज़रूरत होगी. थर्ड पॉइंट है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ऑडिटर होता है मेनली क्या एग्जामिन करता है, जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं कंपनी के उन सबको ऑडिट करता है. और जो ऑडिटर है वो क्या करता है, वो कंपनी के एम्प्लॉय से उसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सब क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है. अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या कर सकता है, उनसे कंसर्न भी कर सकता है कि ये एंट्री किस पर्पज़ से की गई है और किस पर्पज़ से नहीं की गई है. और जो हमारा ऑडिटर है वो क्या करता है, हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं और उससे अदर हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं बिजनेस के उनको भी क्या करता है, चेक करता है. लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस कौन से होंगे, शेयर ट्रांसफ़र, रजिस्टर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होती है बिजनेस की. तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी बुक्स होते हैं अकाउंट्स के उसको एग्जामिन करता है ऑडिटर. फोर्थ पॉइंट इज़ पीरियड.
फोर्थ पॉइंट इज पीरियड में क्या है, जो हमारा ऑडिटर है वो एग्जामिन करता है हमारी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कि उसके पास इतना पीरियड है, इस पीरियड में उसने सभी अकाउंट्स को चेक करना है। जितना फाइनेंशियल ईयर होता है एक बिजनेस का, उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसे क्या करने होते हैं, पूरे अकाउंट चेक करने होते हैं, ऑडिटर को एग्जामिन करने होते हैं हमारी बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, और उनकी एक उनके ऊपर एक रिपोर्ट देनी होती है एक स्पेसिफिक पीरियड तक, और उन्हें ये बताना होता है कि जो हमारे अकाउंट्स बने हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं। अगर वो ट्रू एंड फेयर नहीं है तो उसके ऊपर भी उन्हें क्या देनी पड़ती है, एक रिपोर्ट देनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाउचर एंड डॉक्यूमेंट्स। वाउचर एंड डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जो ऑडिटर है उसका मेन बेस क्या है, उसका मेन बेस है एग्जामिनेशंस आर वाउचर एंड डॉक्यूमेंट्स, मीन्स जितने भी हमारे वाउचर एंड डॉक्यूमेंट्स है बिजनेस में कंपनी में उनको एग्जामिन करना, बिकॉज जो हमारे वाउचर हैं एंड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं जितनी भी हमारी सेल्स हुई है, परचेज हुई है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट्स अलाउड, एवरीथिंग, जितनी भी हमारे इवेंट्स होते हैं, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सब किसके बेस पे रिकॉर्ड की जाती है, वाउचर एंड डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले जो हमारा ऑडिटर होता है वो इन्हीं सब चीज़ों को चेक करता है। इन चीज़ों को चेक करने के बाद जो ऑडिटर होता है हमारी बुक्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्या करता है, उनकी ट्रू एंड फेयर वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं होती कोई भी ट्रांजैक्शंस, अगर आप मान ली कि आपने जर्नल एंट्री बनाई है और उसमें आपकी एक अतुल ने एक गुड्स परचेज सॉरी हाँ परचेज अतुल ने गुड्स परचेज किया बट उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है किसमें, हमारी एंट्रीज में, तो जो ऑडिटर है उसकी उसकी सारी इंफॉर्मेशन किससे देखेगा, एक वाउचर से और डॉक्यूमेंट से। विदाउट वाउचर के एंड डॉक्यूमेंट्स के हम अपनी बुक्स अकाउंट्स की जितने भी हमारी बुक्स होते हैं उनमें रिकॉर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हमारे लिए वाउचर एंड डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास वाउचर एंड डॉक्यूमेंट्स की रिसिप्ट होती हैं जो किस लिए इशू की जाती हैं, पेमेंट रिसीव्ड करने के लिए, रिसिप्ट फॉर पेमेंट मेड, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, इनवॉइसेस, कॉपी ऑफ ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे किस में आते हैं, वाउचर और डॉक्यूमेंट्स में। तो ये हमारे थे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे जो हमारा ऑडिटर होता है वो क्या करता है, अकाउंट्स को ऑडिट करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड कीप